जानबूझकर नीतीश कुमार इजराइल मंसूरी को लेकर घुसते हैं और हिंदू समाज का अपमानित करने का काम करने में माननीय मुख्यमंत्री सदैव बहुत उन्हें पसंद आता। उन्होंने जो किया है उसके लिए नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए और जो उन्हें बताना चाहिए वो जानबूझ के अब कहेंगे कि यह सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म क्या है? एक खास समाज के लिए वो जामा मस्जिद के भीतर घुस करके जो उनका ईदगाह है उसके भीतर जाए कि क्या नीतीश कुमार वहाँ से क्यों? आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है और कल जिस तरह से बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विष्णुपथ मंदिर में गैर हिंदुओं को प्रवेश करना वर्जित है ऐसे में इजराइल मंसूरी को साथ में लेकर के गए हैं, इसको लेकर बिहार में सियासत होना शुरू हो गया है। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि क्या नीतीश कुमार मक्का मदीना में प्रवेश करेंगे तो क्या मुस्लिम उन्हें इस बात को मानेगा। यही नहीं, उन्होंने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री का जो मानसिक जो है अब धीरे धीरे संतुलन खोते जा रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री को इस तरीके का हरकत करना कहीं से उचित नहीं है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। जो बातें आप जानते हैं वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ। आज आप सभी को मैंने इसलिए बुलाया है, कल जिस प्रकार से हिंदू धर्म का अपमान हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इतिहास में पहली बार विष्णुपद मंदिर में जानबूझकर नीतीश कुमार इजराइल मंसूरी को लेकर घुसते हैं और हिंदू समाज का अपमानित करने का काम करने में माननीय मुख्यमंत्री सदैव बहुत उन्हें पसंद आता है। वह वर्षों से गया जाते रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि विष्णुपद मंदिर में कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं घुस सकता है। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया है बल्कि जो सामाजिक ताना बाना है उसको भी तोड़ने का काम किया है। मेरा स्पष्ट उनसे प्रश्न है, मक्का में क्या नीतीश कुमार जी जाएंगे अपना सांप्रदायिक सद्भाव दिखाने के लिए? इस तरह की घटनाएं करना जानबूझकर हिंदुओं को अपमानित करने का है। जिस प्रकार मवेशी पकड़े जाते हैं बांग्लादेश जाते हुए, हिंदुओं पर केस होता है और हम प्रश्न करते हैं तो बुरा लगता है। कल उन्होंने जो किया है उसके लिए नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए और जो उन्हें बताना चाहिए वो जानबूझ के अब कहेंगे कि यह सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म क्या? एक खास समाज के लिए वो जामा मस्जिद के भीतर घुस करके जो उनका ईदगाह है उसके भीतर जाए कि क्या नीतीश कुमार वहाँ सेकुलरिज्म नहीं है? क्या मक्का में उनका सेकुलरिज्म नहीं है? हर समाज के हर धर्म के अपने एक नियम है। अगर किसी मंदिर में है कि वहाँ पे केवल उसी समाज के लोग जाएंगे या किसी भी मस्जिद में है कि उसी समाज के लोग जाएंगे, उसका पालन सभी धर्म के लोगों को करना चाहिए। कल जो कुछ भी नीतीश कुमार ने किया है केवल और केवल हिंदू समाज को अपमानित करने का और एक जो एक तगमा उन पर लगा हुआ है, क्योंकि वह ईश्वर के नाम पे तो शपथ लेते नहीं हैं। हमेशा उनको देखिएगा कि वो सत्य निष्ठा के नाम पे शपथ लेते हैं, क्योंकि भगवान के नाम पे शपथ लेके पलटी मारने में दिक्कत होगी। इसीलिए वह कभी भी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं तो वह सत्य निष्ठा से लेते हैं और सत्य निष्ठा से उलट जाते हैं। और इसीलिए कल जो भी किया है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ वो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे, नहीं तो भाजपा हर स्थान पर उनका विरोध करेगी। बिल्कुल सामने साफ लिखा हुआ है कि केवल सनातनी हिंदुओं को है और अगर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री उसका सम्मान नहीं करेगा तो आम जनता क्या करेगी? हर धर्म को अपने धर्म स्थल पर नियम बनाने की छूट है। अगर कोई धर्म स्थल है जहाँ केवल मुसलमानों को ही जाना है, किसी हालत में किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। यही हिंदुस्तान का सामाजिक ताना बाना है और कल जो मुख्यमंत्री ने किया है उसको माफ़ी मांगे, नहीं तो कल उनका विधानसभा में भी विरोध होगा और हर जगह हम लोग उनका विरोध करेंगे। कब होने वाली है अगर मुझे जानकारी अगर इस तरह की मिली तो आपको जरूर सूचना दूंगा। अध्यक्ष जी एक सवाल ये है, अध्यक्ष जी एक सवाल ये है, ऐसा करें क्योंकि कल विधानसभा का सत्र भी है, ऐसे में जवाब देने के लिए कौन होगा आपकी पार्टी की ओर से? विधानसभा में पार्टी की तरफ से जवाब देने वालों की कोई कमी नहीं है। मेरे सभी विधायक मजबूती से इस बात का रख सकते हैं और आज हमारी चर्चा भी होगी शाम को
जब उसका निर्णय होगा तब आप सबको बताएंगे, पर चर्चा से पहले ही आप बता देते हैं, आप ही सब एडवांस करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को क्या इस्तीफा देना चाहिए, वो अंतिम समय तक पद पर बने रहेंगे? किस बात के लिए? यह हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है। विधानसभा में क्या होता है यह विधानसभा अध्यक्ष तय करते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष किन परिस्थितियों में क्या निर्णय करते हैं यह तो वही बेहतर बता सकते हैं, इसके लिए उनसे पूछिए। लेकिन सर, आप राज्य के अध्यक्ष हैं, बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, पार्टी अब आपके हाथ में है, तो विपक्ष में अब बीजेपी आ गई है, तो निर्णय तो आपको लेना है। विधानसभा अध्यक्ष का पद राजनीतिक पद नहीं होता है, हम सब ईमानदारी से उसका पालन करते हैं, बल्कि भाजपा के हमारे माननीय विधायकों को इस बात की सदैव शिकायत रही है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से कि वह विपक्षियों की आवाज़ ज़्यादा सुनते हैं, हमेशा विरोधी दल के विधायकों को तरजीह देते हैं, लेकिन यह उनका कर्तव्य है। जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसका उन्होंने कर्तव्य का पालन किया, और हमारे भी कुछ विधायक दुखी रहते थे। यह निर्णय आसन का निर्णय आसन से होता है, इसका निर्णय पार्टी कार्यालय से नहीं होता। जब हमने एक बार बना दिया किसी को तो बात खत्म हो गई। सुना आपने क्या क्या कुछ कहा, वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में नेता प्रतिपक्ष कौन होंगे बीजेपी की ओर से इसकी कवायद शुरू है, और आज इसको लेकर बैठक होने वाली है। बैठक में यह तय कर लिया जाएगा कि बिहार विधानमंडल का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नामों को बोलने से जो है एतराज जताया है, लेकिन आज शाम तक के क्लियर हो जाएगा। हालांकि दो नाम आगे आ रहा है, बिहार विधानसभा में विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं, और परिषद में नवल किशोर यादव बन सकते हैं, लेकिन मुहर लगनी अभी बाकी। इसके बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।